हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब बच्चों? अब जो आपके सामने क्वेश्चन है वो है एक्सरसाइज 12.3 से, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जो कि चैप्टर का नाम है। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन नंबर सेकंड को। सबसे पहले मैं जानने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन में बोला क्या है, फाइंड क्या करना है। तो क्वेश्चन और क्वेश्चनों की तरह बहुत ज़्यादा ईजी है। हमें करना है क्या है इसके अंदर, ये जो टाइप है इस एक्सरसाइज की, सबसे यूनिक टाइप है। इसके अंदर हर क्वेश्चन के अंदर बोलेगा इस शेडेड रीजन जो हमें फाइंड करना है। तो याद रहा, शेडेड रीजन जो है वो है ए बी डी एंड सी, ये पार्ट। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसकी डिटेल लेते हैं। क्या लेते हैं? डिटेल। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि दो सर्कल है, क्या दो सर्कल है जो कि संकेंद्रीय है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कंसेंट्रिक। टू सर्कल्स आर कंसेंट्रिक एंड देर आर टू रेडियस। द फर्स्ट वन इज 7 सेंटीमीटर एंड सेकेंड वन इज 14 सेंटीमीटर एंड द एंगल इज ए ओ सी इक्वल टू 40 डिग्री। एंगल जो ए ओ सी गिवन है वह 40 डिग्री। तो हमें फाइंड क्या करना है, शेडेड एरिया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी डिटेल निकालते हैं। इस क्वेश्चन में क्या डिटेल का गिवन है, देखो बच्चों ध्यान दो। इसने जो बोला है कि तुम्हारे पास दो रेडियस दे रखा है, एक तो पहली रेडियस है 14 सेंटीमीटर और दूसरी रेडियस है 7 सेंटीमीटर एंड थीटा विच इज गिवन 40 डिग्री। याद रखना, ये बड़ी आर है जो हमारे पास बड़ी रेडियस, वो ये मानेंगे पूरी जो है हमारे पास कितना 14 सेंटीमीटर। ये बात आपको याद रखनी, ये है पूरी, और जो छोटी रेडियस है वो है सिर्फ यहाँ तक, वो है 7 सेंटीमीटर। ये दो बातें आपको याद रखनी है, ठीक है? तो इसने क्या बोला, शेडेड एरिया। अब ध्यान से देखेंगे हम इसे, अगर हम इस पूरे, ये एक तरह से सेक्टर बन रहा है, क्या त्रिज्याखंड, तो बड़े त्रिज्याखंड में से छोटे पार्ट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, नीचे का पोर्शन। दोबारा समझो, बड़े सेक्टर में से, बड़े त्रिज्याखंड में से छोटे त्रिज्याखंड को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे का आंसर जो है। तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं शेडेड एरिया, क्या शेडेड एरिया, जो कि हमारे पास फार्मूला क्या, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, बड़े सेक्टर में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। वैसे तो मेजर माइनर पीछे आगे का पार्ट होता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये ध्यान दीजिए, ये पूरे बड़े पार्ट को मैंने मेजर बोला है और ये छोटे पार्ट को मैंने क्या बोला, माइनर, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला का थीटा बाय 360 इंटू में पाई बड़ी आर का स्क्वायर, क्योंकि बड़ी आर ये है हमारे पास, उसमें से माइनस कर देंगे थीटा बाय 360 पाई स्मॉल आर, स्मॉल आर विच इज गिवन दिस। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों, थीटा बाय 360 और पाई कॉमन ले सकते हैं हम, यहाँ थीटा बाय 360 टू पाई, यहाँ बचेगा बड़ी आर स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर स्मॉल आर। इसका आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आपको अगर फार्मूले को सॉल्व करोगे तो आपकी काफ़ी परसेंट मेहनत कम हो जाएगी, ठीक है? तो हम थीटा की वैल्यू रखते हैं, क्या 40 बाय 360 एंड पाई की वैल्यू क्या है, 22/7। और हम इसे सॉल्व करेंगे, 14 का स्क्वायर माइनस में 7 का स्क्वायर। तो जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे, 14 1 जा 40 49 जा, ठीक है? तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ बचेगा 22/63 और जो यहाँ बचेगा हमारा 196, 14 का स्क्वायर माइनस में 49। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे यहाँ, तो जो वैल्यू जो हमारे पास बच के आएगी, 16 में से 9 जाएगा, क्या बचेगा 7। 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 7, यहाँ बचा 8 में से 4 जाएगा 4 और यहाँ पर क्या बचा 147। तो हम क्या करेंगे, 7 के टेबल में 7 9 जा 7 2 जा 14, 7 1 जा 3 3 जा 9, 3 7 जा।
तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी 154 डिवाइड बाय 3, और सेंटीमीटर तो यहाँ लिख सकते हैं हम सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मैं आपको करके बताता हूँ। 22 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 154, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप, इस क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, तो जो ये जो शेडेड एरिया आएगा, इसका जो आंसर आएगा ये आएगा 154 डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको क्वेश्चन कैसा लगा बताना ना भूलिएगा। और बच्चों इस क्वेश्चन में अपने क्या अपने वैल्यूबल कमेंट जरूर दीजिए कि आपको क्वेश्चन कराने का तरीका कैसा लगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग गोपाल शर्मा क्लासेस।